हेलो दोस्तों, चलो ठीक है। अपने कल मैंने आपको होमवर्क में एक सवाल दिया था, जो आपने सोल्व किया होगा, उसको करने की कोशिश करी होगी, है ना। उसको अपन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे क्लास अपना इस एग्जांपल के साथ में अंदर देख लेते हैं, और इसी के साथ में अपनी जो लेटर कोडिंग जो की थी, लेटर कोडिंग के बाद में अपन ने नंबर कोडिंग भी जो थी करी थी, वो भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अभी यहाँ देखना, इसके अंदर, इस सवाल के अंदर क्या था, आपने ट्राई किया होगा, है ना। तो ये पिछली क्लास में जो क्लास हुई थी, उसके अंदर मैंने होमवर्क में दिया था ये सवाल, तो आपने इसको सोल्व करने की कोशिश करी होगी। देखिए इसमें क्या लॉजिक था, अपन को लॉजिक देखना था। और ये कल मैंने आपको मना कर दिया था जाते जाते कि भाई इस तरीके से नहीं सोचना है कि इसमें जनवरी में 7 है, मार्च के अंदर इसमें 5 लेटर लिखे हुए हैं तो 5 लिखा है, 3 लेटर हैं तो 3 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ मेरी कंसेप्ट कैसे फेल हो गया था कि भाई जून नॉट इक्वल्स टू दे रखा है जुलाई, तो इसमें भी 4 लेटर, इसमें भी 4 लेटर, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब जितने लेटर्स लिखे हुए हैं उतने यहाँ पे ये अक्षर नहीं लिखे हुए हैं, कुछ और ही ये सोच रहा है। तो और ये किस तरीके से, इसमें क्या लॉजिक लगाया हुआ है दोस्तों, यहाँ समझना। इसके अंदर ये लॉजिक ये लगा रखा है कि इसने 8 में से घटा रखा है जो महीना है, तो 8 में से घटाया इसने, जो ये पहला महीना होता है जनवरी, तो 8 में से 1 घटाया है, तो इसने ये 7 यहाँ लिख रखा है, क्लियर है। और ये मार्च कौन सा महीना होता है, तीसरा होता है, तो 8 में से इसने 3 घटाया है, और ये 5 इसने कहाँ लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है। फिर ये मई कौन सा महीना होता है, पाँचवा होता है, तो 8 में से इसने 5 घटाया है, और जो 3 आया है वो यहाँ लिख रखा है। तो दोस्तों वही वाला कंसेप्ट मेरे को कहाँ लगाना है, इसके अंदर लगाना है। जून कौन सा महीना हो गया, अरे जून कौन सा महीना हो गया, छठा महीना हो गया, तो 8 में से क्या करेगा, ये 6 घटाएगा, तो वो इसका कोड बन जाएगा। प्लस यहाँ पे भी जुलाई कौन सा, सातवां हो गया, तो 8 में से 7 घटाएगा, तो जो कोड आएगा वो इसका आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 8 में से 6 घटाया, तो इसमें कितना आ गया, 2 प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, तीसरा यही पूछ रखा था, 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो वैसे तो सिंपल सा था, लेकिन आप लोगों को क्या है भाई, ये वाला दिमाग लगाना है कि भाई किस तरीके से इसने लिख रखा है, क्लियर है। तो ये अभी अपन ने क्या कर लिया, जो अपने पास में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर था, उसके अंदर अपन ने लेटर कोडिंग कंप्लीट कर ली थी, और ये जो नंबर कोडिंग है वो भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक ये अपना ये कंप्लीट होता है, दोनों दोनों पोर्शन, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग। चलो मैं इसमें एक काम और करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ भाई। अपन ने जो लेटर कोडिंग और जो नंबर कोडिंग अपनी पिछली क्लासेज, जैसे 5 पार्ट हो गए हैं उसमें पढ़ रहे हैं अपन, तो उनको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। अगली 10 मिनट में अपन क्या करेंगे, उसको समराइज़ कर लेंगे भाई, क्या क्या किस तरीके की अप्रोच थी और कैसे हमने सोचा था, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट, जो उसको समरी लिख लेते हैं अपन लोग, कि भाई अभी तक अपन ने लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग में क्या क्या सीखा है, क्या अप्रोच अपनानी है, और एग्ज़ाम में किस तरीके से अपने को सोचना है, कि उतने तरीके से तो हम सोचें ही सोचें, ठीक है। तो मैं वो 10 तरीके डिस्कस करूँगा आपके साथ में, कि 10 तरीके से एग्जामिनर सोचता है, तो वो दिमाग तो हमको लगाना ही लगाना है, क्लियर है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मिलता हूँ। चलिए देखो दोस्तों, थोड़ी सी ना जो चैप्टर जो अपने जो किए थे उनको समराइज़ कर लेते हैं ना, जो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग पढ़ी थी उसमें किस किस तरीके की एग्जामिनर अप्रोच अपनाता है, उसको अपन देख लेते हैं वापस, है ना। किस तरीके से एग्जाम में एक बार अपन लोग सोच लेंगे भाई, इन चीज़ों को तो एटलीस्ट सोचेंगे सोचेंगे सबसे पहले, जैसे आया सवाल को, तो 10 तरीके से तो मैं सोच ही लूंगा कि भाई इन 10 तरीकों में से तो कोई सवाल में नहीं लग रहा है क्या। तो इतना मेरे को क्या सोचना है, सबसे पहले यहाँ देखना भाई, मैं इसको अगर सोचूँ तो इसमें क्या कर रखा है, इनमें क्या हो रखा है, आर का टी बना दिया, यू का डब्ल्यू बना दिया, एन का पी बना दिया। भाई ये पता है कितना है, ये 16 है, ये कितना 18 पे 18 है, तो ये 20 पे आ रहा है, ये 21 है, और ये 23 पे आ रहा है, ये कितने पे, 14 पे, 16 पे आ रहा है, तो दो दो का अंतर है। यहाँ पे क्या हो रखा है, प्लस टू, क्या है, प्लस टू, और ये क्या हो गया, प्लस टू, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर किया, प्लस वन कर देगा, प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री प्लस थ्री कुछ भी करके यहाँ पे लिखा हो, प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव चल रहा होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की कोई ना कोई एक सीरीज चल रही होगी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करके ये लिख देता है भाई। इनमें क्या फर्क, क्या किया, इसने आर को टी लिखा, यू को डब्ल्यू लिखा, एन को पी लिखा, तो पूछ लेगा कुछ और शब्दों को जो सवाल आपने देखे थे, लेकिन ये अप्रोच अपना सकता है। और इसमें क्या हो गया, देखना यहाँ पे भाई, यहाँ पे 23 है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 23 है, 23 का 21 बन गया है, ये 9 का 7 बन गया है, 14 का 12 बन गया है, मतलब दो दो घट गए हैं। यहाँ से क्या हो गया, माइनस टू और माइनस टू, भाई 14 थे 12 में कन्वर्ट हो गया, ये आपका 9 था 7 में कन्वर्ट हो गया, तो माइनस टू, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज चल रखी है, तो डिक्रीज करता है ये, डिक्रीज के अंदर क्या करता है भाई, यहाँ से इसमें से भी माइनस टू करेगा, माइनस वन करेगा, माइनस थ्री करो, माइनस फोर करो, कुछ भी चलेगा, लेकिन कुछ कम करते हुए डिक्रीजिंग का
डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चीज़ें चलेगी, तो इस तरीके की अप्रोच अपना सकता है। फिर क्या है यहाँ पे समझना, सॉरी ये डिस्टर्बेंस थोड़ा सा रोड की वजह से होता है। अभी यहाँ देखना सी है, सी को क्या लिखा है इसने, देखो थ्री को क्या लिख रखा है, फाइव लिख रखा है। अब दोस्तों आपको इतना चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो इसके अंदर आप लोगों को सीधे ही है ना सी तीन पे, ए वन पे, टी ट्वेंटी पे, ये सब दिखने चाहिए। तो ये तीन पाँच में बदल गया है, मतलब प्लस टू, और ये एक चार में बदल गया है प्लस थ्री, और ये बीस किस में बदल गया है, चौबीस में बदल गया है, तो क्या हो गया प्लस फोर। तो यहाँ दोस्तों चल क्या रहा है, यहाँ पे देखना ये क्या हो गया, प्लस टू हुआ है, यहाँ पे प्लस थ्री हुआ है, और यहाँ पे प्लस फोर हुआ है, ठीक है ना। ये तीन और दो पाँच, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस इंक्रीज सीरीज चल रही है। कंटिन्यूस क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग में प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री इस तरीके से चलता जा रहा है, प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर हो गया, कुछ और आपने हो जाए तो, लेकिन कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूस इंक्रीज सीरीज चल रही है। फिर कंटिन्यूस इसमें देख लो भाई, एस को क्या लिखता है, ओ लिखता है, यू को क्या लिखता है, आर लिखता है, एन को क्या लिखा, एल लिखा, भाई नीचे यहाँ आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है ना इस चीज़ को। तो एस यहाँ पे क्या हो गया, 19 को ये क्या लिख रखा है इसने, 15 लिख रखा है। अरे दोस्तों ये 19 पे आता है, इसको 15 लिख रखा है, इसको 18 है, ये 12 है, और यहाँ पे कितना 21 है, और ये पे कितना हो गया 14 पे आ गया। तो 19 में से कितना गया माइनस 4 करके ये लिख रखा है, क्या लिख रखा है ये माइनस 4 करके लिख रखा है। फिर यहाँ पे 21 से अरे माइनस 3 करके लिख दिया, और ये माइनस 2 करके लिख दिया। तो मतलब कंटिन्यूस डिक्रीज सीरीज चल रही है, माइनस 4 किया, फिर माइनस 3 किया, फिर माइनस 2 किया, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया भाई, कंटिन्यूस डिक्रीज सीरीज चल रही है। तो इस तरीके से वो इन लेटर्स को इन लेटर में कोड कर सकता है। फिर उसके बाद में क्या है, अपोजिट लेटर्स लिखता है। अरे जी गणेश टेम्पल में आता है ना, गणेश टेम्पल में जी का उल्टा कौन हो गया, टी हो गया, लव में आता है एल का उल्टा ओ हो गया, बाय बाय में आता है तो बी का उल्टा वाई हो गया है, ठीक है क्लियर है। तो ये पाँचवीं अप्रोच क्या रहेगी उसकी, भाई अपोजिट लेटर्स अगर लिख दे तो हमको किस तरीके से सोचना है। फिर क्या देख रखा है यहाँ पे देखना, ई पाँच पे आता है, ए वन पे आता है, आर 18 पे आता है, तो प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स लिख देता है ना। तो लेटर्स की क्या कर देगा, प्लेस वैल्यूज लिख देगा, ठीक है। तो ये पांच तरीके की जो ऊपर वाली जो ये अप्रोच थी ना दोस्तों यहाँ तक की, तो ये आपकी किस में काम आ जाएगी, लेटर कोडिंग वाले जो सवाल थे उनके अंदर ये अप्रोच होगी। फिर देखो ये नंबर कोडिंग में, इसमें नंबर में लिखा, तो नंबर में क्या लिखा है, इनकी प्लेस वैल्यूज ही तो लिख रखी है, तो इस तरीके का वो एग्जामिनर सोचता है। फिर एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यूज टिल सिंगल डिजिट, अब समझना इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखो ये 19 पे है, ये 9 पे आता है, और ये 20 पे आता है, तो इसमें एस की जगह इसने 1 लिख रखा है। तो ये 1 इसने किस तरीके से किया होगा दोस्तों समझना, भाई 19 है, इनके दोनों डिजिट को इसने जोड़ लिया, 1 और 9 को जोड़ दिया, कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 के अंदर भी दो डिजिट हो गई 1 और 0, तो 1 प्लस 0 इनको भी जोड़ दिया, तो कितना कन्वर्ट हो गया 1 में आ गया। तो ये लिखा हुआ है भाई, तब तक ऐड करता जाता है, एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यूज टिल सिंगल डिजिट, जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं होता तब तक ऐड कर रहा है। देखो पहले 1 और 9 को ऐड किया तो कितना 10 बन गया, अब 10 में भी 1 और 0 है, उनको दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया 1। तो तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। 9 तो सिंगल डिजिट ही थी, तो 9 का 9 लिखा हुआ है, 20 20 को अंदर भी क्या कर दिया, इसको भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, तो 2 प्लस 0 कर दिया, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या करता है, इस तरीके से भी लिख देता है, एस को 1 लिखा, आई को 9 लिखा, टी को 2 लिखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई ये कर क्या रहा है, जो इनकी जो प्लेस वैल्यूज है उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिख रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक एक चीज़ क्लियर हुई होगी। फिर नेक्स्ट देखना यहाँ पे आठवीं अप्रोच क्या अपनाएगा, वो प्लेस वैल्यूज ऑफ अपोजिट लेटर्स, ठीक है ना। ये तो सीधी सी बात है, R का उल्टा कौन होता है, I होता है, I 9 पे आता है तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे। T का उल्टा कौन होता है, G होता है, गणेश टेम्पल में आता है तो G का 7 नंबर पे आता है तो वो लिख रखा है। S का उल्टा कौन होता है, H होता है, H का 8 नंबर पे आता है तो वो लिखा हुआ है। मतलब इसने दोस्तों ऐसा भी कर सकता है, क्या करेगा वो, जो अपोजिट लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यूज लिख लेगा। तो ये अपोजिट लेटर्स की क्या लिख रखी है, प्लेस वैल्यूज लिख रखी है। R का उल्टा कौन होता है, इंडियन रेलवे, गणेश टेम्पल हंसी में आता है तो H होता है, क्लियर है। फिर उसके बाद में देखना एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ अपोजिट लेटर्स, है ना। तो इसका देखो टी को 7 किस प्लेसेस पे लिखा है, टी का उल्टा कौन होता है, जी होता है, टी का उल्टा कौन होता है, जी होता है, और जी की प्लेस वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। ओ का उल्टा कौन होता है, इसमें आता है, लव में आता है, तो ओ का उल्टा कौन होता है, एल होता है, और एल कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 12 नंबर पर आता है, तो इसने तो 12 पे आया, ये 7 पे आता है। और ये पी का उल्टा कौन होता है, के होता है, कितने पे आता है, 11 पे आता है। तो दोस्तों इसने तो 7 लिख दिया, लेकिन इसमें भी क्या कर रखा है, एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ अपोजिट लेटर्स, ठीक है ना। अब इनकी जो प्लेस वैल्यू उनको ऐड करके लिख रखा है, 12 तो आया लेकिन 12 को इसने क्या लिखा, 3, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो यहाँ लिखा हुआ है 3, 1 प्लस 1 दोनों कितने हो गए 2 हो गया। तो इनकी सबसे पहले तो इसने क्या कर रखा है, टी और पी है ये सारे जो लिखे हुए, इनकी अपोजिट वैल्यूज पे जाता है, इनकी अपोजिट वैल्यूज अपोजिट पे जाएगा, और अपोजिट की जो प्लेस वैल्यूज है उनको ऐड करके यहाँ लिखा हुआ। तो इस तरीके की अप्रोच भी वो एग्जामिनर अपना सकता है। लास्ट टेंथ अप्रोच कौन सी होगी, या तो ये क्या करेगा अपोजिट माइनस 1 करेगा, या अपोजिट प्लस 1 करेगा,
आप सोचोगे कि सर इस जे को इसने पी में कैसे लिख दिया है, तो क्या हो गया समझना, जे का उल्टा कौन होता है, अरे जे का उल्टा कौन हुआ, क्यू हुआ, और क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है, लेकिन 17 से एक माइनस कम 16 पे ये पी आता है। तो इसने क्या है, इस जे का उल्टा क्यू और उसमें से भी अपोजिट, अपोजिट में से भी क्या कर रखा है इसने, माइनस वन कर रखा है। जैसे कि देखना समझना, ओ का उल्टा कौन होता है, एल होता है, और एल एल में से एक कम कर दिया, 12 पे आता है ना उसमें, तो ये 11 लिखा हुआ है। फिर वाई 25, बी इसका उल्टा, वाई का उल्टा कौन होता है, बी होता है, और बी में से एक कम कर दिया तो कौन लिखा हुआ, ए, तो ये अपोजिट माइनस वन लिख रखा है। अब अपोजिट माइनस वन लिख सकता है या फिर अपोजिट प्लस वन लिख सकता था, यहाँ पे अपोजिट क्यू आ जाता क्योंकि अगला यहाँ पे आर लिख देता है ना, तो ये इस तरीके से अपोजिट प्लस वन या अपोजिट माइनस वन, तो यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, अपोजिट माइनस वन वाला लिख रखा है भाई, अपोजिट है और अपोजिट माइनस वन को अपना रहा है। तो दोस्तों इस 10 प्रकार से आप लोग पहले एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग का सवाल करते हो, तो उससे पहले ये 10 तरीके से आप इसमें सोचना कि भाई कम से कम ये वाली चीज़ें तो मैं सोच लूँ, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई डिफिकल्ट सवाल आया है कि भाई उसमें मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो आप अलग तरीके से फिर सोचना। जो मैंने और भी अप्रोच आप लोगों को बताई है, भाई 5 पार्ट पढ़ा दिए हैं तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारी अप्रोचेज आप लोगों को बताई है, सब ध्यान में रखनी है। ये 10 तरीके से एक बार समरी के तौर पे देख लेते हैं कि लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग के सवालों को करने से पहले मैं क्या करूं? ये 10 तरीके से मैं उसको सोच लूं भाई, एग्जामिनर ने कम से कम ये जो ईजी वाले जो चीज़ें हैं ये तो नहीं अपना रखी है, कहीं ना कहीं यही और मैं एग्जाम छोड़ के आ जाऊँ, मेरे पकड़ में नहीं आए। तो इन 10 तरीके से दोस्तों आपको सोचना ही सोचना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, फिर मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में, चलते हैं फिर उसके बाद मिक्स कोडिंग पे चलेंगे, पहले एक कंसेप्ट सीखेंगे फिर अपन मिक्स कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मिलता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में, आप जब तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपन एक कंसेप्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट पहले एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपन लोग चलेंगे भाई जो अपने मिक्स कोडिंग जो सवाल हैं उसके ऊपर अपन लोग फिर चलेंगे, ठीक है ना? पहले इस चीज़ को एक बार समझते हैं कि इनका क्या मतलब है। सर आपने ये दो सवाल लिखे हैं, इन दोनों सवालों का क्या मतलब है? देखना दोस्तों थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क है, आपको ये लैंग्वेज को थोड़ी समझनी है भाई। इस तरीके के सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, एग्ज़ाम के अंदर। तो अब इसमें ये क्या बोलता है कि यदि यदि रेड मीन्स येलो, है ना? अब देखो हिंदी मीडियम वाले देख लेना भाई, या मीन्स लिखा हो या फिर क्या हो जाएगा, रेड का मतलब मैं नीचे लिख देता हूँ ना, ऊपर दिखाई नहीं देगा। मीन्स का मतलब क्या हो गया, मतलब, या फिर क्या हो जाएगा इसका मतलब, का अर्थ, मतलब, या फिर इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, का अर्थ। यदि रेड को, यदि लाल का मतलब पीला है, है ना? ये तो आप येलो ब्लू ऑरेंज ये सब जानते हो, तो इतना हिंदी बताने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? इफ़ रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स रेड, देन आपको बताना है, तब आप बताइए कलर ऑफ क्लियर स्काई, है ना? तो मतलब जो अपना जो सादा आसमान होता है उसका कलर कैसा होता है, दिखने में आपको क्या दिखता है, ब्लू दिखता है, और बताइए उसका कलर ऑफ ब्लड क्या होगा भाई, खून का रंग किस तरीके का होता है, इनके आंसर मेरे को देने हैं। लेकिन दोस्तों अब ये तो आपको ये नहीं बताना है कि भाई क्लियर स्काई आसमान जो नीला दिखता है मेरे को, ये आसमान कैसा दिखता है, नीला दिखता है, नहीं, ये आंसर मुझे कितना होता है, ये तो रेड होता है ना, ब्लड का कलर रेड होता है, ये इसके आंसर नहीं है, समझना? क्योंकि सवाल ने बोला है कि यदि रेड का मतलब, है ना, रेड का मतलब या का अर्थ, अगर इस तरीके का आपका सवाल बनता है तो आपको इनके आंसर बताने हैं। और दोस्तों देखना समझना, ऐसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 47 और बना रखा है, इसमें मैंने क्या बोला है, इफ़ रेड इज़ कॉल्ड येलो, येलो इज़ कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज़ कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज़ कॉल्ड ग्रीन, एंड ग्रीन इज़ कॉल्ड रेड, तब बताइए कि क्लियर स्काई का रंग कैसा होगा, और आपको भाई आसमान जो है खुला आसमान है उसका कलर कैसा होगा, और आपको ब्लड का कलर कैसा होगा, खून का कलर कैसा होगा, वो आपको बताना है। अब यहाँ समझना दोस्तों, देखो कि सर दोनों चीज़ें सेम पूछ रखी है, इनके आंसर देखना अलग अलग होंगे दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना। तो जब भी आपको देखा, थोड़ी सी स्टार मार्क करके या कैसे भी आप लोग लिख लेना, इस चीज़ को याद रखना कि जब भी आपका सवाल कैसा बनेगा, मीन्स लिखा हुआ मिल जाए आपको, क्या क्या लिखा हुआ मिल जाए, मीन्स लिखा हुआ मिल जाए, या फिर इसका हिंदी में वो आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, मतलब लिखा हुआ मिल जाए, या फिर का अर्थ ऐसा चीज़ लिखी हुई मिल जाए आपको, ठीक है ना? एग्जाम में आपको मीन्स, मतलब, या फिर का अर्थ, हिंदी वालों को तो ये चीज़ मिलेगी, हिंदी में जो इंग्लिश मीडियम वालों को मीन्स लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जब भी मिल जाए तो दोस्तों आपको जस्ट बिफोर वाला आंसर देना है, जस्ट
बिफोर वाला आंसर देना। सर इसका क्या मतलब है, जस्ट बिफोर वाला आंसर देने का मतलब क्या बता रहे हो आप, तो समझना। जब मेरे से पूछ रखा है कि बताओ क्लियर स्काई का कलर कैसा होता है, तो ब्लू, तो आपको ये वाला आंसर नहीं देना है, ब्लू मीन्स तो ऑरेंज होता है, तो इसका आंसर क्या दे दूँ, ऑरेंज दे दूँ, नहीं। तो जब भी मेरे को सवाल के अंदर क्या रहेगा, मीन्स ये लिखा रहेगा या मतलब या अर्थ लिखा रहेगा, तो जस्ट बिफोर वाला, जस्ट बिफोर मतलब जस्ट पहले वाला जो आंसर भी ब्लू होता है मुझे पता है, लेकिन आंसर मुझे क्या देना है, ब्लू के जस्ट बिफोर में क्या लिखा हुआ है, येलो लिखा हुआ, तो येलो इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो येलो इस सवाल का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। दोस्तों फिर से समझना कि सर रेड तो क्या हो जाएगा, कलर ऑफ ब्लड कैसा होगा, रेड, तो रेड के जस्ट बिफोर वाला आंसर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, कि ब्लड का कलर कैसा होता है, ग्रीन हो जाता है। देखो दोस्तों ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अभी इसके अंदर देखना है, इस सवाल के अंदर भाई इसका मतलब क्या है सर जी, इसमें सवालों में कुछ क्या चेंजेस आ जाएंगे क्या, तो इसमें देखना भाई कलर ऑफ स्काई पूछ रखा है, तो कलर ऑफ स्काई हमें तो पता है किस तरीके का आता है, ब्लू होता है, लेकिन ब्लू को ये क्या लिखता है, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज लिखा जाता है। तो दोस्तों अभी यहाँ समझना, अब स्टार मार्क करके आपने लिख ही लिया है, तो दूसरी बात ध्यान क्या रख लेना भाई, मैं बोल देता हूँ आपको, और आपको क्या ध्यान रखना है, तो जब भी आपको मीन्स मतलब या का अर्थ ये चीज़ मिले, ये तीन चीज़ें अगर आप लोगों को मिलती है, तब तो आपको जस्ट बिफोर वाला आंसर देना है, और उसके बाद अगर कुछ भी लिखा हुआ मिले, इज कोल्ड इज नॉन एज, कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा, जैसे येलो इज नॉन एज ब्लू, येलो इज कोल्ड ब्लू, ठीक है ना, और कुछ भी लिखा हुआ मिले भाई मीन्स मतलब या का अर्थ, है ना, इनको छोड़ करके आपको कुछ भी हिंदी मीडियम वालों को कुछ इनमें से कुछ अलग मिलता है भाई, मतलब और का अर्थ के अलावा कुछ और लिखा मिलता है हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को मीन्स के अलावा जैसे और क्या क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, कोल्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, नॉन एज लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये चीज़ अगर लिखी हुई मिल जाती है, तो दोस्तों उस कंडीशन में कौन सा होगा, जस्ट आफ्टर वाला आंसर होगा, मतलब जस्ट बिफोर वाला आंसर नहीं देना है, कौन सा, जस्ट आफ्टर वाला, तो ब्लू के बाद में कौन सा लिखा हुआ, ब्लू के बाद में ये रहा भाई, इसके बाद में क्या लिखा हुआ, ऑरेंज लिखा हुआ, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर कैसा हो जाएगा, भी ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है, लेकिन रेड को ये क्या लिखता है, रेड को क्या लिखता है, येलो लिखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट आफ्टर में, ठीक है ना, तो येलो इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, क्लियर है दोस्तों। अब किताबें आप लोग देखोगे ना, मैं आपको फिर बता दूँ, क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप बुक्स में जाओगे तो इन दोनों सवालों के इनके सेम ही आंसर मिलेंगे भाई, ऐसा है तो भी वही आंसर दे रखा है आपको, यही वाले आंसर, ऑरेंज और येलो, जस्ट आफ्टर वाला ही लिखता है, लेकिन दोस्तों इन दोनों में फ़र्क है, क्लियर है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे एग्जामिनर के, भाई ये मीन्स वाला सवाल बना है या फिर मेरे को कोल्ड वाला सवाल बन रखा है, नॉन एज मिल रखा है, तो मतलब जब मेरे को मीन्स मतलब का अर्थ ऐसे शब्द मिलते हैं, तो जस्ट पहले वाला जो लिखा हुआ है, भाई ब्लू पूछा है तो ब्लू से जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, कहाँ है ब्लू, ये रहा, ब्लू से जस्ट पहले जो लिखा हुआ है वो आंसर देना है मेरे को, रेड, रेड से जस्ट पहले कौन लिखा है वो आंसर देना है, और इनके अलावा कुछ भी लिखा हुआ मिले तो मेरे को जस्ट बाद वाला आंसर देना है, तो ये ब्लू के ये वाला आंसर नहीं देना, क्या देना है, ब्लू के जस्ट बाद में क्या लिखा है, ऑरेंज, तो ये आंसर हो जाएगा, और ब्लड, ब्लड कैसा होता है, रेड, तो रेड के आगे जस्ट बाद में क्या लिखा हुआ है, येलो, येलो मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ क्या है, आपको किताबों में इनके सेम ही आंसर मिलेंगे, एक ही तरीके आंसर मिलेगा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं दे रखा है, तो थोड़ा उस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब आप लोग थोड़े समझ गए होंगे, देखो मैं इसका प्रूफ और बताता हूँ आपको ना, देखो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन लोग, मैं यहीं समझा देता हूँ ना, इसको समझने की आप कोशिश करना। देखो मैं दोनों सेंटेंस लिखता हूँ भाई, जब किताबें अगर क्या बता देती है, मैं इसको एक सेंटेंस लिख लेता हूँ भाई, बुक्स में आप लोगों को क्या मिलेगा, जैसे एक ये लिख दिया, ब्लू मीन्स क्या लिख रखा है, ये रेड मीन्स क्या लिख रखा है इसने, येलो लिख रखा है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका रेड मीन्स येलो है, ये नॉट इक्वल्स टू है किसके, रेड इज कॉल्ड येलो के, ये क्या है, इसके नॉट इक्वल्स टू है भाई, ये दोनों चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ सेम नहीं है, जो ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ सेम नहीं है, उसको आप मैं प्रूफ बता देता हूँ भाई, मैं इसको सेम क्यों नहीं मानता। अब देखना दोस्तों, इतने तो आप लोग थोड़े देखे हुए, यहाँ पे क्या हो गई भाई, वर्ब के साथ में एस या एस लगा हुआ, तो कौन सा टेंस है आपका, अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये सर, मैंने हमें ये मालूम है। और फिर इसके बाद में देखना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखने को मिल गई, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस है क्या, ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट हो गया, क्या हो गया क्या ये पास्ट टेंस, अरे सर जी ये पास्ट टेंस नहीं है, ये क्या हो रखी है, आपको पैसिव फॉर्म में लिख रखा है, टेंस तो आपका कौन सा है, प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन ये प्रेजेंट की पास्ट टेंस ये नहीं है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन प्रेजेंट टेंस की ही क्या है, ये पैसिव फॉर्म लिख रखी है, अरे पैसिव फॉर्म लिख रखी है ना ये, अरे प्रेजेंट की है, तो प्रेजेंट की ये क्या है, ये आपकी पैसिव फॉर्म लिख रखी है, क्लियर है ना, इतनी चीज़ तो आप लोगों को ध्यान होगी ना, कि सेकेंड फॉर्म करके, सेकेंड फॉर्म देख ली और पास्ट टेंस बता दूँ, ऐसा तो नहीं है ना इस चीज़ में,
चलो मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी इंग्लिश में ये चीज़ ध्यान होगी कि है तो ये प्रेजेंट टेंस ही, लेकिन प्रेजेंट में भी कौन सी फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म में लिख रखी है। ठीक है, अब ये देखना दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में बदलूँ, अगर मैं इस चीज़ को पैसिव वॉइस में लिखूँ, जैसे ये पैसिव फॉर्म है तो इसको भी मैं अगर पैसिव में लिखने की कोशिश करूँ, इसको पैसिव में बदलता हूँ, तो किस तरीके से बदलोगे भाई? जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो क्या लिखोगे? येलो इज कोल्ड, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, तो क्या बन जाएगा? येलो इज कोल्ड रेड। और अभी मैं क्या कह रहा था कि येलो इज कोल्ड रेड, क्या दोस्तों ये इसके बराबर है क्या? रेड इज कोल्ड येलो, अरे दोस्तों क्या ये दोनों चीज़ बराबर है क्या? येलो इज कोल्ड, येलो इज कोल्ड रेड, क्या इसको ये बोल दूं क्या ये रेड इज कोल्ड येलो के बराबर है? अरे दोस्तों ये दोनों चीज़ बराबर दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही ना, ये इसके बराबर तो सर जी नहीं है। येलो इज कोल्ड रेड और ये रेड इज कोल्ड येलो, दोनों सेंटेंस के अंदर फर्क है। क्लियर आगे चीज़? तो इन दोस्तों इन दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क है। किताबों में आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, किताबों में सेम मिलेगा लेकिन इनके आंसर सेम नहीं आएंगे। इसके आंसर ये वाले आएंगे और इसके आंसर ये वाले आएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करी है भाई। देखो, राम ने गाना गाया या गाना राम के द्वारा गाया गया, सेंटेंस तो सेम ही है, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है भाई। गाने वाला तो राम ही रहेगा ना, है ना? गाना राम के द्वारा गाया गया या फिर इसको पैसिव फॉर्म में कर दिया, बात इतनी है। ठीक है ना, तो लिखी हुई जो चीज़ है तो ये क्या है? येलो इज कॉल्ड रेड है, है ना? तो येलो इज कॉल्ड रेड कब इसके बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, रेड इज कॉल्ड येलो, तो दोनों क्या हो गए भाई? अलग अलग चीज़ हो गई, है ना? रेड को येलो कहा जाता है, येलो को रेड कहा जाता है, तो ये दोनों सेंटेंस क्या हो गए? अलग अलग हो गए। आई थिंक मैं सोचता हूँ आपको समझ में आया होगा, अदरवाइज नहीं भी आ रहा है दोस्तों, इस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट आपको क्या है कि वेरीफाई करने के लिए चीज़ मैंने बता दी आपको, क्लियर है कि दोनों चीज़ें क्या है? अलग अलग है। बस आप लोग तो इतना ध्यान रखो, आपको एग्जाम फाइट करना है इन चीज़ों पे आपको नहीं जाना है, है ना? आप तो सीधा ध्यान रखो कि सर जी जब हमने एक चीज़ समझ में आ गई, जब भी मीन्स लिखा रहेगा मतलब और का अर्थ ऐसी चीज़ हमें मिल गई तो जस्ट बिफोर वाला, जस्ट पहले वाला आंसर हम लोग बताएंगे, है ना? और इनके अलावा मीन्स मतलब और का अर्थ इसके अलावा हमें कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा तो हम लोग किसका आंसर देंगे? जस्ट आफ्टर वाला आंसर देंगे, ठीक है ना? तो ब्लू ब्लू के जस्ट आफ्टर में कौन लिखे हुए, ये आंसर हमारे हो जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और समझना दोस्तों भाई, इस सवाल का मतलब क्या है? इस सवाल का थोड़ा सा मैं मतलब समझने की कोशिश करता हूँ। देखना यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इधर देखो, जैसे कि ये बॉक्स हैं, इस बॉक्स के ऊपर एक के ऊपर रेड लिख दिया है, ठीक है ना? दूसरे पे क्या लिख दिया है? येल्लो लिख दिया है, येल्लो लिख दिया है, ठीक है? एक पे क्या लिख दिया है? ब्लू लिख दिया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये क्या है भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इन सवालों का मतलब क्या हो रखा है कि भाई आपके एक ऐसा डब्बा है, इस डब्बे के ऊपर, जिस डिब्बे के ऊपर क्या लिखा हुआ है? रेड लिखा हुआ है। अरे जिस बॉक्स के ऊपर रेड लिखा हुआ है वो बॉक्स ले आओ, उस रेड में जो रेड लिखा हुआ है उसका मतलब ही क्या है? येल्लो। इसके अंदर कलर जो कौन सा है वो येल्लो भरा हुआ है। अरे दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जिस डब्बे के ऊपर रेड लिखा हुआ है उसके अंदर कलर कौन सा है? येलो है भाई। अगर रेड है, रेड का मतलब ही क्या है? रेड का अर्थ क्या है कि उसमें येलो कलर है। और जिसके ऊपर येलो लिखा हुआ है उसका मतलब ही क्या है? उसके अंदर कैसा कलर भरा हुआ है? ब्लू कलर भरा हुआ है। और जिसके ऊपर ब्लू लिखा हुआ है उसका मतलब ही मैं क्या समझूंगा कि उसके अंदर क्या है? ऑरेंज कलर है। क्लियर हुई चीज़? तो सर जी इन सवालों का आप लोग तो इतना ध्यान रखो, इन सवालों का मतलब क्या होता है? मतलब इस तरीके का कुछ चीज़ है कि उसके ऊपर, जिसके ऊपर, जैसे अपने कोडिंग नहीं कर देते हैं कि जैसा, अगर इसके ऊपर ऐसा निशान, जैसे कि वो आपने देखा नहीं होगा उसके ऊपर कि भी ग्रीन का निशान मिला तो वेजिटेरियन है, और रेड का निशान मिल गया किसी डब्बे के ऊपर, जैसे केक खाते हो उस केक के ऊपर रेड और ग्रीन के वो मार्क होते हैं, तो रेड का मतलब उसके अंदर क्या है? नॉन वेज मटेरियल है। और जिसके ऊपर ग्रीन निशान, मतलब उसी तरीके से आपको क्या है, उसका रेड मीन्स ये हो गया, है ना? और ग्रीन मीन्स ये हो गया। तो उसी तरीके से ये वाला सवाल जो आपके बने हुए हैं, तो आपको आंसर किस तरीके से देने हैं दोस्तों, और कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं, और उन सवालों के आंसर मुझे किस तरीके से देने हैं। अब दोस्तों मैं मिक्स कोडिंग के अंदर इसी तरीके के सवालों को डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि भाई इस लैंग्वेज में फंस मत जाना, एग्जाम के अंदर इस तरीके कुछ होता है तो उनके आंसर अलग अलग होते हैं, बुक्स में एक तरीके के आंसर मिलेंगे, उनके ऊपर आपको नहीं जाना है। क्लियर है? इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों एक नहीं है, और ये मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल आप लोग कर दीजिए इसी के ऊपर बेस्ड, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर अपन अपने मिक्स कोडिंग के जो सवाल हैं उनके ऊपर अपन लोग मिलेंगे। ठीक है, एक सवाल आप प्रैक्टिस के लिए कर दीजिए। क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर एक सवाल मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, उसको आप करने की कोशिश करना। चलिए दोस्तों इस सवाल को आप करने की कोशिश कीजिए। इफ़ एयर इज कॉल्ड वाटर, यदि हवा को पानी कहा जाए, पानी को आकाश कहा जाए, आकाश को वर्षा कहा जाए, और वर्षा को
हवा कहा जाए, तो बताइए वेयर डज फिश लिव, तो बताइए मछली कहाँ रहती है। समझ में आया सवाल को भाई? हिंदी मीडियम वाले थोड़े कोऑपरेट करना, इतनी भी कोई डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं लिखी हुई जो समझ में नहीं आई आपको। क्या है? इफ एयर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड रेन, एंड रेन इज कॉल्ड एयर, देन वेयर डज फिश लिव, तो बताइए मछली कहाँ रहती है। तो आपको तो क्या पता है भाई, आंसर ये नहीं दे देना है ना उसके अंदर एग्जाम में लिखा होगा कि भाई मछली तो पानी में रहती है, हमें सबको पता है, ऐसा क्या पूछ लिया। लेकिन इसमें दोस्तों सवाल कैसा हो गया, वाटर इज कॉल्ड भी पानी में रहती है, आपको तो पता है ना ये पानी में रहती है, लेकिन मेरे को एग्जामिनर क्या बोल रहा है, इफ वाटर इज कॉल्ड स्काई। तो दोस्तों मेरा क्या गया, माइंड क्या गया, ना तो मीन्स है, ना का अर्थ लिखा हुआ है, ना अर्थ लिखा हुआ है, बस वाटर को क्या कहा जाता है, स्काई कहा जाता है। तो इज कॉल्ड वाला है, तो आंसर कौन सा देते हैं, आफ्टर वाला, अरे कौन सा, बाद वाला आंसर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा इसका, एस के वाई, स्काई, स्काई यानी आकाश में। भी मछली कहाँ रहती है, आकाश में रहती है। अरे क्लियर है, थोड़ा सा इसको सोचना है, ये नहीं है कि सर मछली आकाश में रहती है, किस तरीके के सवाल हैं। तो आपको इस पे दिल पे नहीं लेना है कि भाई एक्चुअल लाइफ से आपको रिलेट नहीं करना है इन चीज़ों को। तो मछली कहाँ रहती है, आकाश में रहती है, क्यों, क्योंकि ये पानी में रहती है, लेकिन पानी को ये क्या बोलता है, स्काई बोलता है। ठीक है, तो क्या हो गया, स्काई इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो कल अपन मिक्स कोडिंग को स्टार्ट करेंगे, और लेटेस्ट पैटर्न जो बैंक फॉलो करता है, बैंकिंग के अंदर लेटेस्ट पैटर्न इसके आने लग रहे हैं, तो वो किस तरीके से आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। और जो मिक्स कोडिंग के जो अपने आएंगे, जो ओल्ड पैटर्न जो चल रहा है अदर एग्जाम्स में जो आते हैं, भाई बैंकिंग न्यू पैटर्न को फॉलो करने लग गया है आजकल, और जो ओल्ड पैटर्न वाले अदर एग्जाम्स जितने भी हैं उनके अंदर ओल्ड पैटर्न आ रहे हैं, तो उनको अपन देख लेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में, मिक्स कोडिंग को। आज अपन ने एक कंसेप्ट सीखा है, उस कंसेप्ट के आधारित अपन उसी को बेस मानते हुए हम आगे चलेंगे और इन सवालों को सोल्व करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, थैंक्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।